कुछ इधर भी रहे कुछ उधर भी रहे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, दुविधा में दो गए। माया मिली ना राम, लालच में आकर पिता की विचारधारा से समझौता कर लिया, नतीजा ना गद्दी बची और ना ही सम्मान, आगे भी मुख्यमंत्री पद मिलने की उम्मीद नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बन रही है और एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का मानना है कि झारखंड में जेएमएम सत्ता में लौट रही है। ये दोनों ही आकलन बाकी एग्जिट पोल से अलग हैं। ज्यादातर पोल दोनों जगह एनडीए को जिता रहे हैं, लेकिन लोकसभा 2024 के बाद इन ज्योतिषियों पर किसका भरोसा बचा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने लगे हैं, ये शुरुआती आंकड़े शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के लिए बड़े झटके के संकेत दे रहे हैं। दरअसल पार्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अधिकांश एग्जिट पोल महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनाती नजर आ रही है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा 79 से 101, शिवसेना 37 से 45 और एनसीपी 17 से 26 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 39 से 47, शिवसेना यूबीटी 21 से 29 और एनसीपी एसपी 35 से 43 सीटें जीत सकती है। साल 2019 में भाजपा और अभिभाजित शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बाद में उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। महायुति में भारतीय जनता पार्टी का 152 सीटों पर चुनाव लड़ना तय हुआ था, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें 101 कांग्रेस के खाते में आई थी। एक और जहां शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 80 से सीट पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी को 52 और एनसीपी एसपी को 87 सीटें मिलना तय हुआ था। अगर इन सारे एग्जिट पोल को मिलाकर इनका एवरेज निकाला जाए तो महाराष्ट्र में महायुति को कम से कम 139 और ज्यादा से ज्यादा 165 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े 145 से ज्यादा है। पोल्स ऑफ पोल में महाविकास अघाड़ी को 114 से 132 के बीच सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 9 से 13 सीटें जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन सामने आया। फडणवीस ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है, तो मैं ऐसे मानता हूं कि जो बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत है, इससे बीजेपी महायुति को फायदा होगा। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव आज संपन्न हो गए, हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति जीत की ओर आगे बढ़ रही है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलेगा। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेवीसी के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली महागठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के लिए कुल 41 सीटों के लिए यह एग्जिट पोल जारी किया गया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज़।